प्रश्न करता। सर क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में और किस तरह से देखते हैं इस फिल्म को कल्लू के करियर के हिसाब से? बहुत अच्छी फिल्म बनी है और चंदन उपाध्याय जी ने पहली फिल्म थी उनकी डायरेक्शनल उसमें, इसके पहले कई फिल्मों में राजकुमार जी के यहाँ बतौर असिस्टेंट मुख्य सहायक निर्देशक उन्होंने काम किया था और हमने भी उनके साथ पहले फिल्में की और ये मेरी भी उनके साथ मतलब बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। बहुत अच्छा लगा काम करके और कल्लू को आप लोग भी देख रहे होंगे एक नए अवतार में, बिल्कुल डैशिंग कल्लू इसमें नज़र आ रहा है, रोमांटिक के साथ साथ खतरनाक स्टंट करते हुए। और अभी इंटरवल हुआ है जब हम लोग बाहर मिल रहे हैं तो काफ़ी फाइट है इसमें, अब स्टोरी एक नया टर्न लेगी और दर्शकों को और आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगा। कैसा था फिल्म के शूटिंग के दौरान, कोई ऐसा अनुभव जो यादगार बन गया हो? बहुत अच्छा अनुभव था। देखिए टीम इसमें जो थी पूरी, मतलब सारे बड़े मंजे हुए कलाकार थे, अवधेश मिश्रा जी थे, देव था अपना, समर चतुर्वेदी था, साथ में नायिकाएं तनु, प्रियंका पंडित, तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी सबकी और सब लोग काम करते हुए बहुत ही इंजॉय किए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा ये इसके निर्माता जो निशिकांत झा जी, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सरल व्यक्तित्व हैं और उन्होंने पूरे टाइम मतलब शूटिंग में मौजूद थे और सारे यूनिट के एक एक सदस्य का पर्सनली ख्याल रखते थे, तो मैं उनको भी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि उनकी ये फिल्म आज रिलीज हुई। प्रियंका पंडित और तनु के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना क्या, ये लोग स्थापित अभिनेत्रियाँ हैं, मैं क्या कहूँगा, आप लोग देखते ही हैं बहुत अच्छा काम करती हैं ये, धन्यवाद। नहीं वो तो दिखाई दे रहा है कल्लू के एंट्री पर, कल्लू के गानों पर पब्लिक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी फिल्म से जुड़े हुए हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। धन्यवाद धन्यवाद। कल्लू रांची में शूटिंग कर रहे हैं, नितेश पांडे और कल्लू जी की शूटिंग चल रही है रांची में। अभी लखनऊ में चंदन जी के साथ उन्होंने एक लेटेस्ट फिल्म अभी बब्बर कंप्लीट की है और वहाँ से सीधे वो रांची चले गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आए किसी कारण से, अरे उनकी अपनी फिल्म है, मुख्य अभिनेता के तौर पर अकेले सोलो हीरो हैं इतनी बड़ी फिल्म में, न आने का और कोई कारण नहीं, वो रांची में शूटिंग कर रहे हैं। बैठा था मैं पूछा कि इंटरवल हो गया, पता नहीं लगा, और फिल्म गतिशील चल रही है अभी, आगे तो स्टोरी में टर्न है, आप देखिएगा इंटरवल के बाद। नहीं बतौर निर्माता निशिकांत झा को पूरे नंबर, चंदन जी को भी उनकी पहली फिल्म के बतौर मैं अच्छे ही नंबर दूंगा, फर्स्ट क्लास के ऊपर डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं और तभी वो बिल्कुल सफलता से बब्बर का निर्देशन कर रहे हैं। धन्यवाद।